सभी का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियाँ आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जो त्यौहार है खुशियों का, दीपावली जो त्यौहार है समृद्धि का, दीपावली जो त्यौहार है अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक का, दीपावली जो त्यौहार है एक नई राह का, एक नए भविष्य का। उस दीपावली की धूम देश के साथ साथ दुनिया में भी आज है। किस तरह से दीपावली का त्यौहार दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है यही दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों को शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। केवड़िया में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को सूट करती है कमजोर और गरीब भारत की राजनीति। आज भारत के पास है दृष्टि, दिशा और दृढ़ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर, सालंगपुर में श्री कष्ट भजनदेव मंदिर में 1100 कमरे वाले यात्री भवन का किया उद्घाटन। देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। देश का कोना कोना हुआ जगमग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगा रही हैं 7000 से अधिक फेरे। तो दीपों के त्योहार दीपावली में देश का कोना कोना दियों से जगमग हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर को दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमगाया गया है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर 51,000 दिए जलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के मुंगेर में कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 8,00,000 से अधिक दिए जलाकर दिवाली मनाई गई। असम के करीमगंज में राम मंदिर थीम वाले पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिवाली के अवसर पर चंडीगढ़ शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में दिवाली के अवसर पर राम दरबार का निर्माण किया गया। तो गुजरात के राजकोट में माधव राव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8,000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों और उधमपुर में दिवाली मनाई। तो चंडीगढ़ से भी दीपावली पर हुए सजावट की मनमोहक तस्वीरें सामने आई है। देश भर में मनाई जा रही है दीपावली और ये चंडीगढ़ के दृश्य हैं जहां पर जगमग हर कोना दिखाई दे रहा है और सभी लोग इस प्रकाशोत्सव का आनंद ले रहे हैं। भीड़भाड़ दिखाई दे रही है बाजारों में और लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से ये दृश्य हैं और किस तरह से भव्य रोशनी की गई है अपने आप में दिखाता है कि दिवाली के प्रति जो देश भर में उत्साह है, दिवाली के प्रति जो श्रद्धा है और दिवाली के प्रति जो एक जज्बा है लोगों के अंदर कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर जाना है, हर घर दीप जलाना है।
और ये दीप के साथ साथ आधुनिक तरीके से भी जो लाइट्स हैं या जो लेज़र लाइट्स हैं उनकी रोशनी भी हर तरफ दिखाई दे रही है। तो दिवाली की धूम देश के कोने कोने में। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत की चारों दिशाओं में कैसे मनाते हैं इस त्योहार को, देखिए डीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। दीपावली यानी दीपों की श्रृंखला का त्योहार, पूरे भारत में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वाकई में ये त्यौहार श्रृंखला बनाने का काम करता है, पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का काम करता है। पूरे भारत में इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, क्या कुछ करते हैं इस त्यौहार में, आइए दिखाते हैं आपको उसकी एक झलक। उपनिषदों में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है, जो हम सबको अंधेरों से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये पर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से की। पूर्वी भारत में विशेषकर बंगाल में दीपावली का त्योहार काली पूजा के साथ पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर महाराष्ट्र में दीपावली का पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ पहले दिन गाय के बछड़े की पूजा, दूसरे दिन धनतेरस का पर्व, तीसरे दिन व्यापार से जुड़े बही खातों की पूजा और चौथे दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उत्तर भारत में दीपावली 5 दिन तक मनाई जाती है। दीपावली को भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दीपावली 1 दिन की मनाई जाती है। इस दिन दीपावली को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस का वध करने का प्रतीक है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग परंपराओं से इस पर्व को मनाया जाता है। कहीं 1 दिन, कहीं 3 दिन, तो कहीं 5 दिन और कहीं 11 दिन का उत्सव मनाया जाता है दीपावली का। इस त्योहार को मनाने के रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इस त्योहार की आत्मा और उद्देश्य एक ही है, हम सबके जीवन में खुशियां बिखेरना। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं डॉक्टर सुया शर्मा, टीटी न्यूज दिल्ली। तो देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है दिवाली का त्यौहार, लेकिन उद्देश्य एक ही है, मकसद एक ही है, भावना एक ही है कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाना है। दिवाली के मौके पर बाजारों में सबसे ज़्यादा मांग दिए लाइट्स और कैंडल्स की है। भांति भांति के दिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो आइए आपको लेकर चलते हैं दिवाली मेले में। दीपावली यानी दीयों की रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियां। रोशनी और लाइटों के बिना तो दिवाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। झालरें हो या मल्टी कलर लाइटें, इस दिवाली लोगों के घरों में 4 चांद लगा रही हैं और दिवाली बाजार में लाइटों की खरीदारी जमकर हो रही है। जब बात आती है घर को रोशनी से सजाने की, तो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ सकता है। दीपावली के अवसर पर बाजार जगमगा रहे हैं। दिवाली बाजारों में दियों, लाइटों और झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है। काफी लोग दिया और ये सब चीजें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं और कपड़े की तरफ भी, शादी की जो कपड़े होते हैं खरीदारी, वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी लाइट्स बहुत सुंदर है, मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ, सारी बहुत 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 खूबसूरत है। मैं स्पेशल यही लेने के लिए आई हूँ कि मेरे को फानूस जरूर लगाना है घर के सेंटर में। कलरफुल है, वेरी वेरी कलरफुल और ट्रेडिशनल भी बहुत है। मैं बचपन से ऐसे ही डिज़ाइन देखती आ रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, एंड इनके कंडील फानूस बहुत सुंदर होते हैं, एंड एवरीवन मस्ट डेकोरेट देयर हाउसेस नाइसली एंड हैव अ हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। ये ग्लास मेटल कैंडल होल्डर मैं हर साल लेता हूँ और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इसको टी लाइट लगा के
इसमें लगाएंगे तब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रायंगल रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा। ऐसे काफ़ी कुछ आइटम्स मैं यहाँ से परचेस करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस है। बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने स्तर पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिवाली के मौके पर जमकर खरीदारी हो रही है और सब लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, अपने घर में दिवाली मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरहद पर, बॉर्डर पर हमारी निगहबानी कर रहे हैं और दिवाली भी मना रहे हैं। ऐसी ही जवानों की दिवाली को ख़ास बनाया इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर त्यौहार की शुभकामनाएं दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। जी हाँ, गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का त्योहार यादगार बन गया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवान बेहद उत्साहित दिखे। जवानों ने इस अवसर पर गीत भी गाए। बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जवानों ने दिवाली मनाई और खुशी के गीत भी गाए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ, मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और इसमें हम बता रहे हैं किस तरह से देश भर में है दिवाली की चकाचौंध, दिवाली की जगमग। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स के जवानों ने राजौरी जिले में स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई और लोगों को मिठाई भी बांटी।
और जमशेदपुर के पृष्ठपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में माँ लक्ष्मी की विशाल रंगोली बनाई गई है। करीब 3000 स्क्वायर फीट में बनी माँ लक्ष्मी की ये झारखंड की सबसे बड़ी रंगोली है। शहर के कलाकार विवेक मिश्रा ने इसे 10 दिन में तैयार किया। इसके निर्माण में 700 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया। दिवाली के दिन गुरुवार को इसका उद्घाटन किया गया। इससे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान विवेक ने 18,500 स्क्वायर फीट में रंगोली बनाई थी। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने विवेक मिश्रा से खास बातचीत की। आज दीपावली है और दीपावली के दिन रंगोली का महत्व बढ़ जाता है। हमारे साथ है विवेक मिश्र जी, और विवेक मिश्र के नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हुआ था उसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड रंगोली बनाई थी। ये राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था तो किस प्रकार की रंगोली आपने बनाई थी? वो मैंने 18,500 स्क्वायर फीट में रंगोली बनाया था, जो मैंने अकेले बनाया था, और लगभग 17 दिन लगे थे, और रोजाना मैं 10 घंटे काम करता था उस पर, और 17 दिन में वो कंप्लीट हुआ, और 22 तारीख को उसका भी उद्घाटन किया गया था। रंगोली का महत्व दीपावली के अंदर ही क्यों ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है? देखिए, ये महत्व ये है कि जितना अच्छा सजा सके, माता जी को बुलाया जा सके, उतना अच्छा, जितना अच्छा जो अपना घर सजाए, जैसे भी सजाए, उसी तरह मैं भी अपना सजा के एक उत्साह व्यक्त कर रहा था। मैं टाटा के अलावा और कहाँ कहाँ आपने रंगोली बनाई है हिंदुस्तान में? मैंने यही बस बनाई है, और ज़्यादा समय नहीं हो रहा मुझे, 2 साल से मैं रंगोली बना रहा हूँ बस। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कब आया आपका नाम? ये जनवरी में आया था, 22 जनवरी को 2024 में ही आया था। आज जो आपने बनाया उसमें क्या खासियत है इसकी? ये 3000 स्क्वायर फीट में है, माता लक्ष्मी जी का रंगोली है, और ये मैं बनाने वाला था 7 दिन पहले, पर यहाँ पर बारिश को देखते हुए मैंने 3 दिन पहले ही शुरू किया था, और दिन और रात दोनों बनाया करता था, 3 से 4 घंटे सोता था और दिन रात बना के कंप्लीट किया इसको। तो ये थे विवेक मिश्र जिन्होंने रिकॉर्ड रंगोली बनाई है, और टाटा के अलावा आपने जैसे कि हमने बताया कि अयोध्या में भी इन्होंने बहुत ही बड़ी रंगोली बनाई थी, और आगे भी बहुत ही कम उम्र के हैं, और आगे भी हम और डीडी परिवार इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। कैमरामैन शिव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज टाटा। और जमशेदपुर से कुमार आलोक सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, आपने दिखाया रंगोली का दृश्य, और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड तो है ही। किस तरह का उत्साह वहाँ पर दीपावली के लिए दिखाई दे रहा है तमाम लोगों के मन में, और किस तरह से वहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है? देखिए, जब जहाँ हम खड़े हैं वो बंगाली जो परिवार है, वो उनके लिए जो काली पूजा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी पूजा जारी है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आप पूजा स्थल को दिखाएं, कि वहाँ जो भक्त हैं जो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले माँ लक्ष्मी या माँ काली की वो पूजा करते हैं, और पूजा की विधि समाप्त होने के बाद उसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो शुरू होगा। और जब बच्चे देखिए, आप पटाखे यहाँ पर बच्चे अपने सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है। और हमारे पास जो बहुत जो आप कह सकते हैं सीनियर सिटीजन यहाँ पे खड़े हैं, जो इस आयोजन के कर्ता धरता है। सर, ये कब से आयोजन चल रहा है आपके यहाँ ये कॉलोनी में? दुर्गा पूजा से जैसा आयोजन चल रहा, दुर्गा पूजा बाद फिर में काली पूजा हो रहा, दुर्गा माता का पूजा का हुआ, काली पूजा आयोजन चल रहा है। हाँ, पूजा 6 बजे शुरू होगी, अभी 8 बजे पुष्पांजलि होगा, उसके बाद पूजा का समाप्त हो जाएगा। आप सर बताएं कि ये परंपरा कब से शुरू है? 1994 से हमारा स्वर्ण व्यास में पूजा शुरू हुई है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा सब हम लोग मनाते हैं, मोहल्ला के आदमी लोग, सब बच्चे बच्चे सब आनंद करते हैं। बच्चों का सेलिब्रेशन जो होगा, पटाखे फोड़ने का जो होगा सेलिब्रेशन, वो कब से शुरू होगा? चालू ही है, चल ही रहा है, अभी चलेगा रात भर तक, 9-10-11 बजे तक चलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट है, और असली सेलिब्रेशन जो होगा शुरू, वो 8:30-9 के बाद होगा, जब बच्चे पटाखे फोड़ेंगे और जो खुशियाँ मनाएंगे इस दिवाली का जो त्यौहार है वो अपने आप में महान त्यौहार है। आप देखिए कि कंपेरिजन कीजिए कि दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट है, अगर हम इस्लाम में हम देखें तो वहाँ शब बारात, वो भी फेस्टिवल ऑफ लाइट है। अगर हम क्रिश्चियन जो समुदाय है उनका पर्व देखें क्रिसमस, तो वो भी फेस्टिवल ऑफ लाइट है, और दीपावली अपने आप में एक तरह से आप कहें कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यानी हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और ये त्यौहार अपने आप में महान, हिंदुओं के लिए महान पर्व है, और पूरे देश में इस पर्व को जमकर मनाया जा रहा है, जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है।
बिल्कुल पूरे देश में जोरदार तरीके से मनाया जाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुमार आलोक, जिस तरह से हमने सुना कि जो आप इनसे बातचीत कर रहे थे वहाँ के लोगों से, उन्होंने कहा कि कई दिन पहले से ये उत्सव की तैयारियाँ जो शुरू हो जाती हैं, उत्सव का आरंभ जो है कई दिन पहले से अलग अलग रीति रिवाज के साथ शुरू हो जाता है, क्या कुछ जो है इस बार यहाँ पर लोगों के मन में है, क्या कुछ वो चाहते हैं दिवाली के दिन पर, किस तरह की वो कामना कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए? सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो एंकर है वो खुद पूछ रही हैं कि इस दिवाली में यानी इस त्यौहार में कोई प्रण लेता है आदमी कि हाँ इस बार हम से बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दुर्गा पूजा माना जाता है, उसी तरीके से लक्ष्मी पूजा जो होती है वो धन की देवी होती है, गणेश जी हैं उसके पात्र हैं, तो आप सर आपसे हम जानना चाहें कि आप लोगों के मन में क्या है कि इस त्यौहार को हम किस कौन सा प्रण लेकर हम ये तय करें कि हम आने वाले भविष्य में इस देश की सुखाली के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए हम क्या सोचते हैं आप, या आपने अपने अपने आप में आप क्या प्रण लेते हैं? हमारे देश में पूजा हो रहा स्वर्णो विहार में, इसे हमारा चाहते हैं हमारा अच्छा प्रगति हो, अच्छे से पूजा पाठ हो, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं, हर साल हम लोग मनाते हैं, 94 से हम लोग मना के आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई भी आदमी अगर व्रत या त्यौहार मनाता है तो कोई ना कोई प्रण लेता है कि हाँ इस बार इस लक्ष्मी पूजा के समाप्ति के बाद हम देश के लिए क्या सोचें, हम समाज के लिए क्या सोचें, हम अपने लिए क्या सोचें? हम सबके लिए सोचते हैं सुख शांति से रहे आदमी, चैन से रहे, कोई सद्भावना रहे सबके साथ, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब आराम से खुशी रहे। तो ये बहुत बड़ा संदेश दीपावली देता है आम जनता को, आम लोगों को, कि ये सुख समृद्धि जिस तरीके से लक्ष्मी देवी घरों में आज प्रवेश करती है, जिस तरीके से सुख समृद्धि लाती है, उसी तरीके से सुख समृद्धि पूरी दुनिया को बनी रहे, पूरे देश को बनी रहे, हर समाज को बनी रहे, हर तरह से लोग ऊर्जावान हो, क्षमतावान हो। बिल्कुल, आपने विवेक मिश्रा जी से भी बात की, उनके साथ बातचीत हमने आपकी सुनी, और उन्होंने जो रंगोली बनाकर, इतनी बड़ी रंगोली बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, किस तरह से रंगोली का महत्व भी इस पर्व पर आप हमें समझाना चाहेंगे कुमार आलोक? देखिए, रंगोली का महत्व खासकर दीपावली में बहुत बढ़ जाता है, तमाम तरह के रंगोली बनाई जाती है, और ये विवेक मिश्रा जिनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है, तो इन्होंने बहुत पहले शुरुआत नहीं की थी अपने कार्य की, इन्होंने महज 4 साल पहले शुरुआत की थी, लेकिन वो इसमें इतना रम गए, हालांकि वो SBI लाइफ में वो काम करते हैं, रोजगार भी करते हैं, लेकिन उनका एक अलग ये पैशन है, अलग एक शौक है, और इस शौक को सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि रंगोली आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो उन्होंने 18,500 स्क्वायर फीट में वो रंगोली बनाई थी, तो आप सोचिए कितना खर्च आया होगा उस पर, और उसको बहन करने के लिए उनमें सामर्थ्य नहीं था, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, अगर हम बात करें सरयू राय जो इस समय जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, NDA के प्रत्याशी हैं, जनता दल यू के प्रत्याशी हैं, उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की, और जैसा कि मैंने बताया कि सिविल सोसाइटी के लोगों ने उनकी मदद की, और उनके पैसन में कहीं से धीमापन नहीं आया, इसके लिए यहाँ की जनता, जो टाटा की जनता है, जमशेदपुर की जनता है, एक ऐतिहासिक शहर है, आप जानते हैं कि JRD टाटा ने इस शहर को बसाया था, एक आप कह सकते हैं कि उस इस शहर में जो भी इनको जानता है, विवेक मिश्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें और सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम इस रंगोली को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर इस रंगोली की विधा को स्थापित कर सकूं, और लोगों के अंदर की लोगों को मैं सिखा सकूं, ताकि रंगोली तो घर घर में पहुंची दीपावली में, अगर कहीं किसी भी घर में जाएंगे तो रंगोली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोफेशनली इस आदमी ने रंगोली को एक नया रूप दिया है जो अपने आप में महान है। बिल्कुल, अपने आप में रंगोली को एक नया रूप देना जो हमारी परंपरा है, और उसमें एक नए तरीके से उसमें एक नएपन का समावेश करना अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो है, जो एक कलाकार की जो कला है, जो उसकी सोच है, कहां तक आगे जाती है, और इसमें बहुत कुछ संदेश भी छुपा होता है। कुमार आलोक, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप जिक्र कर रहे थे, हमने सुना पटाखों का, बहुत ये हर बार कहा जाता है कि जो इको दिवाली मनाई जाए उसका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है?
इस मामले में अगर दिल्ली में बहुत ये प्रतिबंध लगाया गया है और काफ़ी फोर्सेस तैनात की हैं, जैसा कि आपने समाचारों में पढ़ा कि बिल्कुल वहां पर पटाखे नहीं छोड़ना, पटाखों पर प्रतिबंध है, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ही दीपावली खत्म होता है तो दिल्ली में किस तरीके का प्रदूषण होता है, और बहुत सारे ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जिनको अस्थमा की बीमारी है, जो दमा के पेशेंट हैं, वो उनके लिए तो बहुत ही घातक है ये जो पटाखे जब छूटते हैं, और पटाखों के बाद जब धुआं वातावरण में जब होता है, तो उसके बाद मैं जानता हूं कम से कम 10 या 11 आदमी को जानता हूं कि दीपावली जैसे ख़त्म होती है उसके अगले दिन वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो हम भी आग्रह करेंगे, दिल्ली वासियों से भी आग्रह करेंगे, टाटा वासियों से भी आग्रह करेंगे कि आप पटाखे छोड़ें, लेकिन पटाखों जो ग्रीन पटाखे आ रहे हैं आजकल, जो पर्यावरण के अनुकूल पटाखे आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन हम जहां खड़े हैं, टाटा में हम जहां खड़े हैं, जमशेदपुर में हम जहां खड़े हैं, बिल्कुल कोई उल्लंघन नहीं, कोई सीमा नहीं है, प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया है कि आप पटाखे मत फोड़ें। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जहां भी आप जाएंगे, या तो बिहार हो या तो झारखंड हो, कभी दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन आज आप सुन रहे होंगे, शोर सुन रहे होंगे, पटाखों की आवाज़ सुन रहे होंगे, कोई ऐसा प्रशासन की ओर से इनिशिएटिव नहीं लिया गया है जिससे कि पटाखों का शोर हो, उसकी आवाज़ हो, और उसके बाद उससे निकलने वाला जो धुआं प्रदूषण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर कोई लगाम लगाई जा सके। तो देश के साथ साथ विदेशों में भी दिवाली की धूम है, और इस वक्त हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से। शुभेंदु, किस तरह से वहाँ पर दीपावली की धूम दिखाई दे रही है? हालांकि वहाँ पर हर बार मनाई जाती है, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क में खास, क्योंकि पहली बार दिवाली की छुट्टी भी वहाँ घोषित की गई है। जी रमा, सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं आपको और हमारे सभी दर्शकों को। मैं आपसे अटलांटा से जुड़ रहा हूँ, जो कि जॉर्जिया में है। ये एक सदर्न अमेरिका का स्टेट है जॉर्जिया। आपने सही कहा कि बड़ी धूम होती है यहाँ दिवाली की। न्यूयॉर्क में तो स्कूल हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया है, एक ऑफिशियल तरीके से दिवाली को जो है वो एक अमेरिकन कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है, कि जिस दिन जैसे दिवाली की छुट्टियां हमारी भारत में होती हैं, उसी तरीके से अमेरिका में कुछ स्टेट, जैसे कि न्यूयॉर्क आपने बताया, वहां पे स्कूल हॉलिडे घोषित कर दिया है, ताकि जो लोग मनाते हैं दिवाली, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो बाकी लोग दिवाली मनाते हैं, उनके लिए पूरे दिन की छुट्टी होगी, ताकि वो जैसे भारत में सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ और परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, वो यहां भी कर पाए। अटलांटा में भी मैं जहां पर हूं, ये इस्कॉन मंदिर है अटलांटा का, काफी पुराना मंदिर है। कहते हैं कि ये एक प्रथम हिंदू मंदिर जो यहां करीब 1950 के लगभग समय बनाया गया, यहां पर एक छोटे से घर के अंदर ये बना हुआ है, लेकिन इसकी बड़ी मान्यता है, लोग दूर दूर से यहां पे प्रार्थना करने आते हैं। करीब 9.5 घंटे का फर्क है दिल्ली में और अटलांटा में। तो यहाँ पे जो है अभी आज शाम को पूजा पाठ और दिवाली की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो त्यौहार है, वो बड़े तरीके से मनाया जाएगा। सुबह पूजा पाठ हो रहा है, ये वर्किंग डे भी है, लोग अपने दफ्तर भी जा रहे हैं सुबह का पूजा पाठ करने के बाद। तो भारत के तरह यहाँ पर भी बड़ी धूम होगी, आज शाम को हम वो देख पाएंगे जो सेलिब्रेशन आप इस समय भारत में कर रहे हैं। रमा, बिल्कुल यही आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहाँ पर जो लोग दिवाली मना रहे हैं, जो भारतवंशी वहाँ पर हैं, किस तरह की भावनाएं उनकी, किस तरह इन त्योहारों को मनाकर वो अपनी जड़ों से जुड़े रहने को महसूस करते हैं, किस तरह से हमारी संस्कृति का जो विविध है, व्यापक है, उसका वहाँ पर भी प्रचार प्रसार के एक तरह से कहा जा सकता है उनको एम्बेसडर। बिल्कुल रमा, हमें समझना होगा कि जो भारतीय मूल के यहाँ लोग हैं, जो इंडियन अमेरिकन हम जिन्हें कहते हैं, वो काफ़ी संपन्न हैं, काफ़ी पढ़े लिखे और एकेडमिकली करियर को लेकर काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस यहाँ पे किया है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कल्चर पे भी दिखाई देता है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, जो भारतीय मूल की पॉपुलेशन है वो अमेरिका के अगेंस्ट करीब 1% पॉपुलेशन है इंडियन अमेरिकन की, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो सोसाइटी के प्रति उनका जुड़ाव है, जो वो काम करते हैं सोसाइटी के लिए, उनके कारण उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण जो भारतीय जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो मंदिर हैं, जो त्यौहार हैं, उनका भी काफ़ी जो है यहाँ प्रभुत्व है। लोग दूर दूर से आते हैं, जो भारतीय मूल के नहीं भी हैं उनकी भी काफ़ी रुचि होती है। कल ही मैं आपको बताऊं रमा, एक यहाँ स्वामी नारायण मंदिर है, मैं कल शाम को गया था, और वहाँ काफ़ी लोग शाम को आते हैं, कल हनुमान पूजा थी वहाँ पर,
तो वहां पे बांग्लादेश के भी कुछ जो मुस्लिम निवासी हैं वो लोग भी आए थे, वो यहाँ रहते हैं करीब 30-40 साल से। उनका कहना है कि हम तो दिवाली को पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, उसका त्योहार मानते हैं। जो भारत की धरोहर है वो हम सबकी धरोहर है, और हर साल हम लोग आते हैं, हमारे कोई मित्र आते हैं तो हम उनको इसी मंदिर में लाते हैं ये दिखाने के लिए कि ये देखिए हमारे सब कॉन्टिनेंट की धरोहर है। तो उस तरीके से यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मंदिर एक बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीयों को, हिंदुओं को तो करते ही हैं, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, इससे रिलेट कर पाते हैं। अगर हम त्योहार की बात करें तो बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पटाखे भी फोड़े जाते हैं, भारत की तरह शायद अलग अलग घरों में ना फोड़े जाएं क्योंकि वो उसकी परमिशन नहीं होती है, लेकिन एक पार्क जैसा एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है जहाँ सभी जो लोग आतिशबाजी करके दिवाली मनाना चाहते हैं उनके पास ऐसी जगह होती है, मंदिरों के आसपास एक कोई जगह होती है जहाँ पे शाम के समय आतिशबाजी का आयोजन होता है। पूजा पाठ जो है वो सभी जो भारतीय संस्कृति है उसी के अनुसार होती है। जिन लोगों से हमने बात करी वो सभी ये कहते हैं कि पिछले कुछ साल 10-15 सालों में जो मंदिर बने हैं, जिस तरीके से उनके रिसोर्सेज बढ़े हैं, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो भारत में नहीं है। तो भारत से दूर होने के बावजूद उन्होंने एक मिनी इंडिया यहाँ पे बनाया है, अलग अलग जगह जो मंदिर है, जो मंदिर का कंपाउंड है, जो कम्युनिटी उसके आसपास तैयार हुई है, उनके जरिए जो भारतीय मूल के लोग हैं वो एक छोटा भारत, एक मिनी भारत क्रिएट करते हैं ताकि अपनी संस्कृति को अपने परिवार से अपने बच्चों के करीब ला सके। बिल्कुल, मिनी इंडिया की आप बात कर रहे हैं और किस तरह से जो अपनी जड़ों को उन्होंने वहाँ पर जीवंत रखा है, और ना केवल जीवंत रखा है बल्कि और लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया बांग्लादेश के लोगों की आपने बात बताई और पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात बताई, भारतीय संस्कृति को वो कहते हैं कि ये हम सबकी एक धरोहर है, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी खास बात है हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा की, हमारे त्योहारों की, जो सबको जोड़ने का संदेश देते हैं, एकजुटता का संदेश देते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो संदेश है हमारे त्योहारों का, हम दिवाली की बात करें तो जिस तरीके से प्रकाश की विजय है ये अंधेरे के ऊपर, सत्य की विजय है ये झूठ के ऊपर, उसी तरीके से जो संदेश है उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो साधारण जो तत्व है उनका, उससे लोग बड़ी आसानी से रिलेट कर पाते हैं। अगर दिवाली के पूजा पाठ को वो ना भी समझ पाए, जो कि गैर हिंदू कम्युनिटी के आते हैं, फिर भी जो सुंदरता है इन त्योहारों की, जो दिए जलते हैं, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जिस तरीके से लोग त्योहार में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एकत्रित होते हैं, वो सब बहुत आकर्षण का एक विषय होता है, उससे लोग जुड़ जाते हैं। जो यहाँ पे मूल निवासी भी हैं अमेरिका के, वो भी इसको काफी कलरफुल फेस्टिवल की तरह देखते हैं कि यहाँ लाइट भी है, कलर भी है, म्यूजिक भी है, तो इस कारण से उनका बड़ा रुझान होता है। और जो मैसेज होता है हमारे त्योहारों का, हर त्योहार के पीछे एक जीवंत जो एक संदेश होता है, जो देवी देवता या हमारे जो पुराणों में जो कहानियां हैं उसके जरिए जो हम आगे की जनरेशन को बताते हैं, उससे लोग काफी कनेक्ट कर पाते हैं। ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोग, बल्कि यहाँ सोचिए 13,000 किलोमीटर दूर यहाँ अमेरिका में जो निवासी हैं, वो जब यहाँ की कहानियां सुनते हैं, भारतीय संस्कृति की, वेदों की कहानियां सुनते हैं, त्योहारों के पीछे जो मायने हैं उनके बारे में समझते हैं, तो उनका बड़ा रुझान होता है। वो कहते हैं ये तो एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन कल्चर जैसा है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। प्रकाश और अंधेरे की लड़ाई, ये सब जो थीम्स हैं, ये तो पूरी दुनिया इससे रिलेट कर पाती है। तो इस कारण उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी सुंदरता से यहाँ के लोग, सब कॉन्टिनेंट के लोग, भारत के लोग तो जुड़े ही हैं उससे, लेकिन ये एक ग्लू का काम करता है जो कि लोगों को बांधता है साथ में। जो हम भारत में देखते हैं वही कुछ नजारा हम यहाँ इतनी दूर अमेरिका में भी देख रहे हैं। तमा बिल्कुल शुभेंदु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी वहाँ से देने के लिए, और किस तरह से दियों की जो जगमग है, जो दीपावली की जगमग है, वहाँ भी लोगों के मन में प्रकाश उत्पन्न कर रही है, उसकी जानकारी देने के लिए। न केवल प्रकाश उत्पन्न कर रही है बल्कि लोगों को जोड़ भी रही है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं,
लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देख कर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अतीक अहमद भी जुड़े हुए हैं। गुलाबी नगरी जयपुर से अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, विशेषकर गुलाबी नगरी जयपुर की बात करते हैं, ये अपने चटक रंगों के लिए जाना जाता है, किस तरह से दिवाली के रंग, किस तरह से दिवाली की जगमगाहट वहां पर दिखाई दे रही है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और भी हमारे जो संवाददाता हैं जो जानकारी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से दीपावली का त्यौहार पूरे देश भर में, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे श्रद्धा से मनाया जा रहा है, पूरे सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप जो है वो मनाया जा रहा है। और उसके साथ ही लोगों में जो उत्साह है वो नया उत्साह है और उसी उत्साह के चलते लोग प्रण ले रहे हैं कि किस तरह से इस त्यौहार में उन्हें नए संकल्प लेने हैं, किस तरह से उन्हें इस त्यौहार में जो तमाम तरह के अंधेरे हैं उन पर उजाले को प्राथमिकता देनी है, आगे ले जाना है, किस तरह से अपने परिवार का, अपना, उसके साथ साथ अपने समाज का, न केवल समाज का, देश का और विश्व के लिए भी नए जो परिपाटी है उसका संकल्प लेना है, शांति का संकल्प लेना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, तमाम जो हमारी परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो अपने आप में बेहद ख़ास है ये दीपावली का त्यौहार। और ये दीपावली का त्यौहार इस बार भी इसलिए ख़ास है क्योंकि अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये दीपावली मनाई जा रही है। तो तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दीपावली की धूम है, दीपावली के लिए लोग बढ़ चढ़ कर जो है इस पर्व में शामिल हो रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं और अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो संकल्प है वो ले रहे हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो नकारात्मकता को दूर रखना है और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना है। और बेशक जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हों, जो तरीके हैं वो अलग अलग हों, लेकिन जो उद्देश्य है वो एक है कि अपने साथ साथ सभी के जीवन में उजाला लेकर आना है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आप बता रहे थे कि थोड़ी देर में जो बच्चे हैं वो वहाँ पर आतिशबाजी भी करने वाले हैं और जिस तरह से इको दीपावली की हम बात कर रहे थे, हम ये भी बात कर रहे थे कि तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन त्यौहार है, सब लोग जब इसे खुशी के साथ मनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट भी जाती हैं। किस तरह से यहाँ पर जो एक नए संकल्प हैं उनकी आपने बात की है लोगों से, वो संकल्प लोग ले रहे हैं और इस बार की दीपावली को किस तरह से खास बनाने की उनकी कोशिश है। रबा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बच्चे हैं और बच्चे आप हाँ पूजा, मैं बताता हूँ कि आप जहाँ पूजा हो रही है, काली पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, उसको कैमरामैन को कहूँगा पैन करें जरा। और आप देखिए वहाँ महिलाएं हैं, खासकर ज़्यादातर महिलाएं हैं वहाँ पर और बहुत लंबी पूजा है ये। अब मैं समझता हूँ कि ये कब तक खत्म होगा, लगता है 10:30 तक ये पूजा खत्म होगी और उसके बाद ही जो सेलिब्रेशन, असली सेलिब्रेशन होता है वो यहाँ पर शुरू होगा। बच्चों में उत्साह है लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन में उससे ज़्यादा से उत्साह है। अंकल जी आप किधर है ये बताओ। अंकल जी, जब
आप बचपन में थे जी, तो दिवाली में जो जश्न मनाते थे और आज जो आप देखते हैं, आज वर्तमान का जो दृश्य देखते हैं, कितना फर्क आया है? दिवाली जब हम बचपन में थे उस समय हम इमैच्योर थे, माँ बाबा का हाथ पकड़ के हम लोग को सब कुछ चलना पड़ता था, फटाका फोड़ना, तुबड़ी फोड़ना, जो कुछ गाना बजना करना, तो माँ बाबा का के इशारा में करते थे। लेकिन आज हम मैच्योर्ड हैं, ग्रोन अप है, आप हमारे बुद्धि से हम काम करते हैं, अब बच्चों को वही दिशा दिखाते हैं जो हमारे माता पिता और बुजुर्गों ने हमको दिखलाया था। इसीलिए अभी का पूजा हमारे हिसाब से चलता है, आगे का पूजा हमारे माँ बाबा के बुद्धि से उनके हिसाब से चलता था। एक आंटी जी भी हैं, आंटी जी आप बंगाली समुदाय में काली पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, लक्ष्मी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, आप जरा इम्पोर्टेंस समझाइए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काली पूजा स्पेशली इन हिंदू सोसाइटी एंड बंगाली सोसाइटी? काली पूजा इन हिंदू सोसाइटी एंड बंगाली सोसाइटी, वी आर प्रेइंग द डिवाइन पावर, दैट इज माँ काली, माँ दुर्गा, एंड हम लोग एक्चुअली जो अभी हम लोग का पूजा ये 31st ईयर्स चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली हम लोग पूजा करते हैं विश्व शांति एंड सद्भावना के लिए। यहाँ पे विश्व अभी आप देख रहे हैं कितना हलचल है, लोगों के पास वैभव है, पैसा है, शांति नहीं है, तो हम और काली पूजा में हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, जैसे शिव जी होता है शिव जी का उपासना, यहाँ पे हम लोग काली की उपासना करें, दुर्गा भी एक शक्ति है, वो उपासना बहुत ही बड़ा संदेश जो है कुमार लोक वहाँ से निकल कर आ रहा है, शक्ति की पूजा कर रहे हैं सद्भावना के लिए, शांति के लिए। बहुत शुक्रिया वहाँ से ये दृश्य दिखाने के लिए। और अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली दिवाली है, पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग श्री रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्रद्धालुओं के लिए अनेक बेहतर सुविधाएं स्थापित की हैं, जिससे किसी तरीके की दिक्कत न हो, समुचित दर्शन की व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा कम से कम प्रतिवर्ष अगर करोड़ों में लोग आते हैं तो दिवाली के मौके पर प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद रहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, पहली दीपावली है रामलला जी के विराजमान होने के बाद, 1 लाख दीप जले, क्या क्या अनुष्ठान, क्या क्या तैयारियां, क्या क्या उद्गार? बहुत आनंद पूर्वक ये दीपावली हम लोग यहाँ मना रहे हैं, पूरी अयोध्या उल्लास से भरी हुई है, आने वाला श्रद्धालु आनंद के साथ स्वयं अपने घर से दीपक तेल बत्ती लेकर के आ रहा है, इस पथ पर दीप दान कर रहा है, स्वयं इसकी सज्जा कर रहा है। इस बार प्रभु राम के विराजित होने के बाद पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम था यहाँ, उस दीपोत्सव का प्रारंभ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और सभी लोग यहाँ आए और प्रभु राम के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का उद्घाटन किया। आज मुख्य दीपावली का दिन है, कल तो 1 लाख दीपक जले, क्या क्या अन्य अनुष्ठान विधि विधान से ईश्वर की पूजा और दीपदान और अन्य कार्यक्रम क्या कुछ है मंदिर प्रांगण में? कल से ही हमने 28 तारीख से ही पूरे परिसर को विद्युत से, द्वारों से, तोरण द्वारों से सजाने का काम किया है। परिसर में लाखों दीपक जलाने का काम लगभग 1200 से 1500 कार्यकर्ताओं ने, राम भक्तों ने आकर के परिसर में किया है। पूरी देश दुनिया जानना चाहती है मंदिर का निर्माण किस पहले चरण में प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही चुकी है, किन किन क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहा है और कब तक ये संपूर्ण होने की उम्मीद है? मंदिर का निर्माण बहुत तीव्रता के साथ चल रहा है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा सेवा केंद्र है, यहाँ आने वाला श्रद्धालु आप 1000 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं। मंदिर की जहाँ तक बात है वो फरवरी तक, मार्च तक मंदिर पूर्ण हो जाएगा निर्माण का कार्य। रामलला की पहली दीपावली है विराजमान होने के बाद, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने ही कहा, अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अवधपुरी की धूल को भी स्वर्ग से भी महान बताने वाले भगवान श्री राम हमें प्रेरणा देते हैं, और यही संदेश समूची मानवता को अयोध्या से जाता है।
दीपावली से निकला प्रकाश पूरी दुनिया में यही कहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज अयोध्या। और अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बुधवार को 8वें दीपोत्सव के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज भी अयोध्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं और दीप जलाकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को साकार कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। अयोध्या के दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। देश के कोने कोने से लोग राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रहे हैं। ये राम जन्म मार्ग है जहां पर लोग खुद अपने लाए हुए दियों से यहां पर दीपदान कर रहे हैं। क्या है लोगों के उद्गार, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत हिंदुओं के लिए ये आस्था का प्रतीक रहा है कि ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये राम की भक्ति और सबकी श्रद्धा हिंदुओं के प्रति है, योगी और मोदी का महान कृपा है। सन 1990 जब मुलायम सिंह कहता था यहाँ परिंदा भी पन नहीं मारेगा, मोदी जी और योगी जी ऐसे शासक हुए हैं विश्व में, इसका प्रचार प्रसार दुनिया देख रही है। हम श्री राम के लिए कुछ करें और यह मंदिर देख के हमें गर्व हो रहा है। बस राम जी का है भक्ति है, आए हम लोग दर्शन करने और इतना भव्य मंदिर बना है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, दीपदान कर रहे हैं भगवान श्री राम के लिए और साथ ही साथ श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। सदियों की आकांक्षा पूर्ण हुई है क्योंकि दिव्य भव्य मंदिर तो बना ही है, रामलला वहाँ विराजमान हुए हैं। ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का तरीका है दीपदान करके, भगवान श्री राम के लिए भी और उन हुतात्माओं के लिए भी जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की आकांक्षा को सजोए हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज अयोध्या। तो आगे बढ़ेंगे अपने खास कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा, लो तुम ही कर लो। देखो इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़, अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो ये दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की दीपावली के मौके पर, उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हुए, दिवाली के मौके पर उन्होंने मुलाकात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। और उपराष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति से मिलते हुए और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए, पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को दीपावली की शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो ये हमारी परंपराओं की, ये हमारे त्यौहारों की खासियत है कि सभी एक साथ पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी परंपरा के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। अभी आपने दृश्य देखे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने ख़ास तरीके से, अपने ख़ास अंदाज में जवानों के साथ भी दीपावली मनाई। दीपावली का ये त्यौहार सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, भारत का ये त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व की दिवाली को लेकर देखिए टीजी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दीपावली, जिसे रोशनी, प्रकाश और उत्सव का त्यौहार भी कहते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन से अंधकार को खत्म कर आपके जीवन में उजाला भर देना। ये भारत का एक ऐसा त्यौहार है जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। दीपावली का त्यौहार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशियों में भी इस त्यौहार को लेकर आकर्षण देखा जा सकता है। हर कोई इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए लालायित रहता है। देश के बाहर दीपावली मनाने का तरीका और रीति रिवाज अलग है। थाईलैंड में दीपावली पर केले के पत्ते से दीप बनाकर उसमें सिक्का और मोमबत्ती रख नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो वहीं अपने पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो यहां दीपावली पूरे 5 दिन मनाई जाती है, जिसे तिहाड़ फेस्टिवल कहा जाता है। इसमें 5 दिन विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है। बात श्रीलंका की करें तो ये रामायण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां दीपावली में मुख्य रूप से रामायण का मंचन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और सिडनी में विशेष तरीके से मेले का आयोजन कर दीपावली मनाई जाती है। ये मेले भारतीय परंपरा पर आयोजित किए जाते हैं, जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। Right here in Chicago, with me is my mom, Chanchal Jhingan, and we are ready for the Diwali celebration. Shubh Diwali! Happy Diwali! वहीं मलेशिया में दीपावली को हरी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसे दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। म्यांमार में 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल को लाइटिंग फेस्टिवल ऑफ म्यांमार के नाम से जाना जाता है। फिजी, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस आदि देशों में भी दीपावली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। इंडोनेशिया में दीपावली भारतीय परंपरा के अनुसार मनाई जाती है, यहाँ दीपावली पर रामायण का मंचन होता है। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में काफी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इसके चलते दीपावली यहाँ खास अंदाज में मनाई जाती है। यहाँ रहने वाले लोग प्रकाश के इस पर्व को बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। We celebrate Diwali by being together and we having a Diwali lunch today with our family here. Happy Diwali to everyone. कहीं हरी की दिवाली, कहीं क्रियोन, कहीं तिहाड़ तो कहीं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है, एक दूसरे के जीवन में खुशियां बांटना, रोशनी लाना। पूरे विश्व में दिवाली इसी उद्देश्य के साथ मनाई जाती है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज, दिल्ली। तो
तो देश के साथ साथ दुनिया भर में मनाई जा रही है दीपावली, शांति, भाईचारे और समृद्धि की कामना को लेकर ये पर्व आप सभी के जीवन में उजाला लाए, आप सभी के जीवन में शांति और समृद्धि लाए। इसी के साथ लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।